मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने यहाँ आने के लिए रिस्क लिया। रिस्क तो तुमने बहुत बड़े बड़े लिए हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो सबकी बर्बादी के थे। जो कहोगी मैं सुन लूंगी। तुम्हारी मुजरिम हूँ, खतावार हूँ तुम्हारी, और इन सारी बातों का अब क्या फायदा? लेकिन सोमिया यकीन जानो कि मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। तुम हातिम की नफरत में इतनी आगे बढ़ गई कि तुम मेरा और अपना रिश्ता तक भूल गई। इसी बात की तो माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और हातिम को जो भी दुख मिले वो उन्हें डिजर्व करता था, लेकिन बस बिलावजह मैंने तुम्हें इस इंतकाम की नजर कर दी। मुझे माफ कर दो। रख दे। हातिम ऐसा कुछ डिजर्व नहीं करता था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी तुमने उसको इतनी बड़ी सजा दी है। सोनिया कम से कम तुम तो ये बातें मत करो। हौबन में ठुकराए जाने का दर्द तुमने भी सहा है। बस कर दो राहिला, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हर दुख हर तकलीफ का अजाला हो चुका है। अदन तो एक ऐसा इंसान है जो कि इनाम है मेरे रब की तरफ से, क्योंकि मेरा रब जानता है कि ना तो मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है और ना ही किसी का बुरा चाहा है। और बेहतर यही होगा कि तुम भी हातिम को भूल जाओ और भाई के साथ खुश रहो। मैं नुमान के साथ बहुत खुश हूँ सोमिया, लेकिन जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी ये खुशी किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, मुझे चैन नहीं मिलता। तुम्हें इस बात का डर है कि मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी? तुमने या हातिम ने किसी ने भी अगर ये बात नुमान तक पहुंचा दी तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सोमिया। मैं भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगी और ना ही हातिम अपनी जबान खोलेगा, क्योंकि हातिम को रिश्तों की कदर है और वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई की जिंदगी में कोई भी मसला हो। तो मैं ये समझ लूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम चाय पियो, मैं ड्राइवर को कहती हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर दे। इसका मतलब यही है ना कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? तुमने हातिम को माफ किया? अगर माफ करना इतना आसान होता तो तुम अभी तक हातिम को माफ कर चुकी होती। लेकिन सोमिया, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत खास है। जो रिश्ते खास होते हैं सबसे ज्यादा वही तकलीफ देते हैं। तो ये सोच कर आई थी कि शायद तुम अपनी खुशियों के सदके ही मुझे माफ कर दोगे। ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ। अंदाजा नहीं है कि तुमने ये बात कह के मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हटा।